हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दो वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, जाइए देखिए। ओके स्टार हाउसिंग, एक पेनी स्टॉक्स एज वेल एज इन तीन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है मार्केट में ओपन होते साथ। क्यों यहाँ पर टेक्निकल और आपको कुछ फाइनेंशियल्स बताए, उन बेसिस पर यहाँ पर चीजें कुछ अलग नजर आती है, तो जाके देखिए। और इस वीडियो में अगेन बात करने वाले हैं हम किससे रिलेटेड, एशियन ग्रेनाइटो से रिलेटेड। एशियन ग्रेनाइटो की बात करें, यहाँ पर इनका आया है अभी राइट इशू, और राइट इशू आते ही साथ शेयर देखिए धड़ाम होते हुए नजर आया है। लगातार गिरावट एक नजर आती हुई दिखाई दी है। और शेयर क्या हमें बेच देना चाहिए, रखना चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कि 5 तारीख को क्या होने वाला है, तो उसी के रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्यों, क्योंकि अगर ये चीजें मिस हो गई तो आपको लॉस होता हुआ नजर आ सकता है, तो ये चीजें आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन्वेस्ट फॉर अवर चैनल को जितना हो सके सपोर्ट करिए। ऑलरेडी आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा मिल रहा है, बट और भी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए हर एक वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियोज बनाई जाती है आपके लिए और शेयर को चूज किया जाता है, तो यहाँ पर कमेंट जरूर करें। और दूसरी वीडियोस को जाके देखिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू करिए। और हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो नीचे कम यहाँ पर नंबर दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, इन नंबर पे आप हमें क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को खुद की स्टडी करके यहाँ पर पोजिशन लेनी है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनाइटो की, जैसे एशियन टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज बता देता हूँ कि क्या न्यूज है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास राइट इशू है, ओके, आपके आप पहले शेयर है और आपके अकाउंट में राइट इशू आए हैं इसके, तो आपको 5 तारीख तक एक काम करना है। क्या काम करना है, तो यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट फॉर ऑन मार्केट रिनंशिएशन, मतलब थर्सडे 5th मई 2022, मतलब 5 मई 2022 तक आपको अपने जो राइट इशू है, ओके, जो आपके अकाउंट में आए, या तो उन पे कोई एक्शन एक्शन इन द सेंस, या तो आपके पास अगर आपको खरीदना है राइट इशू में अप्लाई करना है, तो 10 तारीख तक का टाइम है। ओके, आप यहाँ पर 10 तारीख से पहले यहाँ पर कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा इस पूरे मैटर को। बट अगर आप नहीं करना चाहते 10 तारीख तक, ओके, और आप यहाँ पर बेचने की सोच रहे हैं कि राइट इशू में बेच देता हूँ, जो पैसा है वो पैसा रख लेता हूँ, तो एक एक्शन तुरंत कर लीजिएगा कि 5 तारीख से पहले, या 5 तारीख को लास्ट डेट है इसकी, तो यहाँ पर 5 तारीख को यहाँ पर अपने राइट इशू को बेच के निकल जाइएगा। अदरवाइज वो राइट इशू यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ अर्थ होते हुए नजर आएगा, तो राइट इशू का ना तो आप यहाँ पर फायदा उठा पाएंगे, और फिर फायदा उठाने के लिए आपको केवल उसमें पार्टिसिपेट ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं रहेगा। ये सीधे की सीधे 6 तारीख से दिखेंगे नहीं आपके अकाउंट में, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। तो एक एक्शन जो आपको लेना है वो एक्शन आप यहाँ पर ले लीजिएगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ पर्टिकुलर चीजें। एशियन ग्रेनाइटो नाम सुना ही है आपने, ओके। एशियन ग्रेनाइटो की सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे विजिट करा देता हूँ, ओके, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि एशियन ग्रेनाइटो, देखिए यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें दे रखी है। तो एशियन ग्रेनाइटो एक बेहतरीन कंपनी है, कंपनी है, कंपनी है, बता देता हूँ, अभी से ही बता देता हूँ। और यहाँ पर देखेंगे तो हर तरीके की टाइल्स, हर तरीके के सेरेमिक, आप सोच रहे होंगे कि बार बार राइट इशू ला रहे हैं, 6 महीने में 2 बार राइट इशू लेके आ गए हैं। पहले बार में इन्होंने अपना कर्ज उतारा है, दूसरी बार में इन्होंने, अगर हम बात करें, एक बेहतरीन बड़ा शोरूम यहाँ पर ओपन करने वाले हैं गुजरात में, अहमदाबाद में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके लिए यहाँ पर ये पैसा यहाँ पर रेस करते हुए नजर आया है। यहाँ पर देखिए इनकी टाइल्स, देखिए हर तरीके की टाइल्स, हर तरीके के सेरेमिक ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। और इसका जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इसका फायदा फ्यूचर में होता हुआ नजर आएगा फॉर श्योर। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। कंपनी काफी बेहतरीन है, कंपनी का जो जो चीज यहाँ पर बनाती है, तो जिस तरीके से घर बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इनके प्रोडक्ट्स यूज होने हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। इनका विजन देखिए, इनकी वेबसाइट को विजिट करिए, पार्किंग से रिलेटेड जो टाइल्स है, मार्बल्स जो इनके लगे रहते हैं, ओके, फ्लोर टाइल्स, यहाँ पर वॉशरूम में जो टाइल्स बाथवेयर होते हैं, किचन टाइल्स से रिलेटेड, और इनके देखिए पिज्जा हट, एयरटेल, रिलायंस, दलीला, यहाँ पर देखिए ये कंपनी है, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट, IIMs, एज वेल एज NSE, PCPW, यहाँ पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है आपने नाम सुना है, ये सारी की सारी, LIC, सेल, NBCC, सिनेपोलिस, PVR, ये सारे, रिलायंस, ये सारे प्रोडक्ट शॉपर स्टॉक यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। L&T इनके प्रोडक्ट्स यूज करती है, ITC होटल में, ONGC में, टाटा
टाटा हाउसिंग में, गोदरेज यहाँ पर प्रॉपर्टी में, यहाँ पर शाहपुर जी पालोन जी में, एनसीसी में, लोधा में, लोधा तो खुद बनाती है यहाँ पर घर, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, अडानी जियो, बहुत लंबी लिस्ट है, सीसीडी, तो ये यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स ही यूज होते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीजें समझने की जरूरत है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। जाके एमआवर्स को चेक करिए, टाइल्स को चेक करिए यहाँ पर, ओके इनके यहाँ पर सब चीज, वातवेयर को यहाँ पर आप सर्च करिए तो आपको सब चीज समझ में आएगी। यहाँ पर इनके देखिए शोरूम यहाँ पर देख लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पर बेहतरीन यहाँ पर शोरूम है इनके, ओके यहाँ पर किस किस जगह पर शोरूम है वो यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, एज वेल एज इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे इन्हीं के प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। तो जाके यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए तो आपको और भी चीजें समझ में आती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पर देखेंगे तो इनके जो शोरूम है ये देखिए 52 प्लस पेजेस का, मतलब 307 शोरूम यहाँ पर नजर आते हैं। तो जाइए देखिए, 307 तो पेज है, ओके 307 पेज है, और इसमें तो बेहतरीन बड़े बड़े शोरूम आपको यहाँ पर नजर आएंगे जो कि हर जगह पर पैन इंडिया यहाँ पर मौजूद है। तो थोड़ा समझने की जरूरत है, कंपनी बेहतरीन है, ओके कंपनी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जो इन्होंने कर्ज लिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने अपना स्टैंड अलोन जो लोन था, ओके यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टैंड अलोन जो इनका बोरोइंग थी, ओके वो यहाँ पर कम करी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 112 करोड़ का यहाँ पर लोन था, वो यहाँ पर इन्होंने आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर नेट डेट फ्री हो चुका है, ओके जो कि अभी यहाँ पर अपडेट होगा तो आपको समझ में आएगी। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाएंगे और जो अब यहाँ पर दोबारा पैसा ले रहे हैं वो उससे एक बेहतरीन बड़ा शोरूम इनका बनाने का प्लान है, और ऑब्वियस सी बात है जो दिखता है वही बिकता है। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बड़ी बड़ी कंपनी यूज कर रही है, हर एक घर में यहाँ पर यूज होते हुए नजर आते हैं। माइक्रो कैप कंपनी है, अभी पैसा लाएंगे तो जब ये 9,000 करोड़ की कंपनी होगी 10 टाइम्स तो पैसे वैसे ही हो गए, और 10 टाइम्स का मतलब है आपका शेयर फिर भागता हुआ नजर आएगा। पीई की बात करें 9.19 का है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, ना ही ज्यादा अच्छा है ना ही ज्यादा बेकार है, 36% का डेट भी है। और बात करें कोई प्राइसिंग नहीं है, ओके इंडस्ट्री का पी 27 का है और यहाँ पर इसका पी 9 का है, बहुत सस्ते में यहाँ पर शेयर मिल रहा है, हाई 132 का इसने बनाया ही है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे खासे तरीके से ऊपर गया, उसके बाद लगातार गिरावट है, बट अब एक ऐसे पॉइंट पे ये खड़ा हुआ है कि अच्छे रिजल्ट बस का वेट है, एक बार अच्छे रिजल्ट आ गए ओके तो यहाँ पर शेयर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर अच्छे रिजल्ट का मतलब है कि देखिए हाईएस्ट एवर तो सेल्स आ ही रही है ओके, और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो भी ठीक ठाक आ रहे हैं ओके, एक बार दोबारा अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, कंपनी के नेट प्रॉफिट और मार्जिन जो अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया, शेयर ऑलरेडी एक साथ बूम करता हुआ दिखाई देगा, भागता हुआ दिखाई देगा। कंपनी के पास रिजर्व्स अच्छे खासे है, कैश अच्छा खासा है, इन्वेस्टर्स देखे तो यहाँ पर देखिए प्रमोटर्स ने खुद हिस्सेदारी बढ़ाई है, एफआईज ने यहाँ पर शेयर खरीदे और कुछ पब्लिक ने भी यहाँ पर शेयर यहाँ पर देखिए बढ़ाते हुए नजर आया है, तो सब कुछ अच्छा है ओके। जब बड़े बड़े लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं तो आपको यहाँ पर शेयर गिर रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझने की जरूरत है, एक बेहतरीन सपोर्ट पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है, और यहाँ पर डराने के लिए लोग यहाँ पर बेच सकते हैं, और बड़े बड़े लोगों के पास ही शेयर है, आपके पास तो थोड़े बहुत होंगे, तो यहाँ पर चीजें और थोड़ी नीचे भी आ जाए तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को होल्ड करना सीखो, क्योंकि अगर होल्ड करेंगे तो ये 3-4 साल का खेल है, और 3-4 साल में जब ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा तो याद रखिए यहाँ से 2013 से लेके और यहाँ तक 2018 मतलब 5 साल में ये शेयर 22 रुपए से कितने रुपए पे गया था, 600-700 रुपए पे गया था, तो अगेन ये 77 रुपए वाला शेयर के 1,000 रुपए पे नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है ओके, और कोई ताकत रोकने वाली भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वॉल्यूम, यहाँ तो कुछ वॉल्यूम नहीं आ रहे थे बट यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम लगातार अच्छे खासे वॉल्यूम नजर आ रहे हैं, और चीजें जब ऊपर जाना शुरू होगी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। बट एक चीज कहना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो मैंने यहाँ पर एशियन गैनेटो से बनाई थी, तो उस केस में क्या हुआ था, काफी लोगों के कमेंट आए थे, काफी लोगों ने प्यार दिया था उस वीडियो को, बट उसमें ऐसे ऐसे कमेंट्स थे जहां मैं पढ़ रहा था तो लोगों ने मोस्टली पैसा उसमें लगा रखा था ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट में, आप इन्वेस्टमेंट के खेल में है ओके, और वो भी स्टॉक मार्केट में, आपको एक ही जगह पर सारा पैसा नहीं लगाना, आप एक जगह पर सारा पैसा लगाएंगे चीज टूटेगी, राइट इशू का यूज आप नहीं कर पाएंगे ओके, अगर राइट इशू आया है एक चीजें आपको सस्ते में मिल रही है या उसी प्राइस पे मिल रही है तो आप इसका या तो यूज करेंगे, और इसका यूज करने के लिए अगर आपने 50 लाख पहले ही लगा दिए है तो आपको दोबारा यहाँ पर 25 लाख लगाने के लिए आपके पास नहीं होंगे, तो आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपने अगर सारा पैसा एक ही, क्योंकि एक कमेंट मैंने देखा था तो लगभग उन्होंने 15-16 लाख रुपीज इन्वेस्ट
कर रखा था 126 रुपीज के हिसाब से, और उन्हें लगभग 7 to 8 lakh रुपीज का यहाँ पर नुकसान भी हो रहा था। तो दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको चीजें समझने की जरूरत है, आप घबरा भी जाएंगे और फिर आप डरेंगे भी। तो यहाँ पर आपको चीजें समझने की जरूरत है कि आपको इतना पैसा नहीं लगाना है, आपको ऐसा अमाउंट लगाना है कि अगर चीजें नीचे आती है आप सोच रहे हो ऊपर जाएगी, क्योंकि आप सोच रहे हो कि मार्केट आप जो सोचते हो उसके हिसाब से नहीं चलती, मार्केट आपके हिसाब से आप जो सोचते हो हमेशा उल्टा करने की कोशिश करती है। बट लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी है तो ऊपर भी जाएगी, और बट उस टाइम के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड चीजें नीचे आती हुई दिखाई देगी, और जब नीचे आती हुई दिखाई दे रही है तो याद रखिए आपको लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, और लगभग 7-8 lakh रुपए का लॉस, और एक ही शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे, और वो भी आप रिटेल इन्वेस्टर है, यू आर नॉट HNI, यू आर नॉट कोई बड़े घर से होंगे तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट स्टिल यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका होता है। अगर आपके पास 10-1 crore रुपए का इन्वेस्टमेंट है तब लगा दिया तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आपके पास 15-20 lakh रुपए का इन्वेस्टमेंट है और आपने 15-16 lakh रुपए ही इसमें लगा दिए तो फिर ये एक गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। तो ये चीजें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या तो ब्रेक कर करके जब नीचे आ रहा था थोड़ा सा यहाँ लगाया, फिर उसके बाद थोड़ी सी अमाउंट यहाँ लगा दी, फिर और नीचे जाएगा थोड़ा सा अमाउंट और लगा दी। तो चीजें अच्छी है, नो डाउट चीजें अच्छी है, इसमें बिल्कुल बेकार वाली चीजें नहीं है, कोई मैनेजमेंट बेकार नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है, सब कुछ अच्छा है, प्रमोटर्स होल्डिंग भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो चीजें समझने की जरूरत है, बट यहाँ पर समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी के बहकावे में भी नहीं आना कि उसने हमें बताया था ये वीडियो देखो वो वीडियो देखो। लोग कहते रहते हैं लोग अपनी प्रशंसा करते रहते हैं, उन्हें करने दीजिए, चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे मैं हूं, या चाहे कोई ABCD, कोई XYZ हो, जरूरत नहीं है किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की। खुद का दिमाग आपको दे रखा है, उस दिमाग को यूज करें, उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि काफी लोगों ने वीडियो बना रखी है। एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी है जिनका यहाँ पर नीचे नाम भी लिया जा रहा है, उन्होंने बताया भी है, और मेरे पास कॉल भी रिसीव हुई है उनका, नाम मैं नहीं लूंगा, बट स्टिल यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है। किसी के भी कहने पर ब्लाइंडली फोकस नहीं करना, ब्लाइंडली पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपको चीजें समझनी है और उसके हिसाब से उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है। और इन्वेस्टमेंट का तरीका है कि थोड़ा थोड़ा पैसा आपको लगाना है, और इतना पैसा आप अब जब नीचे राइट इशू आया है तो आप इतना पैसा 7 lakh रुपए नहीं लगा पाएंगे कि आपके पास 15-16 हज़ार शेयर है और आप उसमें दोबारा पार्टिसिपेट करेंगे तो लगभग 6-7 lakh रुपए चाहिए होगा, तो नहीं कर पाएंगे। तो इसे समझने की जरूरत है, राइट इशू को आपको बेचना ही होगा, तो राइट इशू को यहाँ पर बेच के चुपचाप समझ के लीजिएगा। तो यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और चीजें समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और प्यार दें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।